क्रांति दल से जुड़ी सविता आर्या डीएम ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गईं। आपको बता दें कि सविता आर्या बसुकेदार इलाके से शराब की दुकान को हटाने, साथ ही बैंक खोलने और बसुकेदार तहसील के भवन के निर्माण को लेकर बीते कई दिनों से अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि कानून को ताक में रखकर क्षेत्र में शराब की दुकान खोली गई है। इसमें देखिए, ये बसुकेदार के रहने वाले हैं। इनकी जो तीन मांगे हैं, उनमें से एक है कि बसुकेदार में तहसील भवन का निर्माण किया जाए। दूसरी इनकी मांग है कि जो वहाँ पर शराब का ठेका है, उसको वहाँ से 200 मीटर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार उसको वहाँ से हटाया जाए। और एक इनकी मांग है कि वहाँ पर बैंक की ब्रांच खोली जाए। तो जो पहली इनकी दो मांगे हैं, जिसमें कि तहसील भवन का निर्माण है, उसके लिए हम जमीन की सर्च उसमें चल रही है, तहसीलदार भी उसमें ढूंढ रहे हैं और जल्दी हमें जमीन उसमें प्राप्त हो जाएगी तो तुरंत उसमें कंस्ट्रक्शन कार्य भी शुरू हो जाएगा। दूसरा इनका बैंक के संबंध में है, बैंक को निर्देशित कर दिया गया है और वो भी अभी सर्वे क्षेत्र में करेंगे और डिपेंडिंग ऑन कि कस्टमर कितने हैं वहाँ पर, उसी आधार पर वहाँ पर ब्रांच का खोला जाना संभव हो पाएगा। और तीसरी इनकी मांग है कि जो शराब की दुकान है वो वहाँ से हटाई जाए। तो इसमें संबंधित जो DO हमारे एक्साइज वाले, उनको इसमें जांच के लिए बोल दिया गया है और जांच रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके अनुसार उसमें कार्यवाही करेंगे। मैं कल सुबह 11 बजे से बैठ गई थी और मेरी मांग है बसुकेदार में स्टेट बैंक नहीं है और वो साल भर पहले हफ्ते में एक दिन आते थे, अब वो हफ्ते में एक दिन भी नहीं आ रहे, उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और दूसरी मांग है मेरी बसुकेदार में तहसील भवन निर्माण कार्य जो है वो शुरू होना है, वहाँ पर तहसील की बिल्डिंगें नहीं है, तहसील कर्मचारी जो भी है वो सरकारी अस्पताल पे है और जो ऊखीमठ तहसील का होगा उसको ऊखीमठ तहसील से वेतन मिल रही, जो जखोली तहसील का होगा उसको जखोली तहसील से वेतन मिल रही और तहसीलदार और SDM तो वहाँ पर बैठ ही नहीं रहे, कभी हाथ दो हफ्ते में आ रहे तो कभी आ ही नहीं रहे। और तीसरी मांग है मेरी शराब की दुकान हटानी है। वही DM का कहना है कि बैंक शाखा खोलने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है और तहसील भवन के लिए जमीन की तलाश जारी है। शराब की दुकानों को मानकों के अनुसार खोला गया है और अगर इससे जनता को दिक्कत हो रही है तो इस समस्या को जल्दी हल किया जाएगा। पंजाब के CTV के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।